हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डेस्टिनेशन है कान्हेर डैम सतारा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने नवले ब्रिज क्रॉस किया एंड बैंगलोर हाईवे पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट इज़ शोइंग 1 hour 48 minutes फ्रॉम हेयर। कान्हेर डैम मैं पहले गया था बट पानी के पास तक नहीं गया था। एज़ मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में बोला है कि डैम का जो बैक वाटर्स होता है वो ऑलवेज मोर सीनिक होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्यू पॉइंट्स। तो आज बैक वाटर्स जाने की तैयारी है। सातारा में ठोसेगर धबधबा मीन्स मराठी में इट्स अ मराठी वर्ड, इंग्लिश में इट्स अ वाटरफॉल। ठोसेगर वाटरफॉल है, आप वहाँ जा सकते हैं। बारामोटीची विहीर है, दैट्स अ प्लेस फॉर आई थिंक हाफ डे ट्रिप। एंड सतारा के आगे कास पठार बोलते हैं, कास वैली। तो वहाँ पे फ्लावर्स का मतलब आप मानसून के इमीडिएट बाद सितंबर अक्टूबर के आसपास आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली फ्लावर्स का स्पॉट है। डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे वहाँ पे एंड यू हैव टू डू बुकिंग फॉर दैट। तो ये कुछ स्पॉट्स हैं सतारा के आसपास। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं मेरे आगे जो कार जा रही है ये 1000 लाइट को जला के जा रही है इनसाइड टनल। तो दोस्तों याद रखिए आप जब कार ड्राइव करते हैं तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। जो लोग ये कर रहे होते हैं उनको एक्चुअली पता नहीं होता है, बाकी लोग को देख के ये लोग भी करते हैं। तो बाय रूल यू आर नॉट अलाउड टू ऑन 1000 लाइट्स इनसाइड टनल। आपको ये तभी ऑन करना है जब आप किसी रोड पर रुके हों ड्यू टू वट एवर रीजन्स। Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more pie. So सुबह से अब तक मैं 123 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मैं सुबह ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ। बीच में आई थिंक 45 मिनट्स का ब्रेक था फॉर ब्रेकफास्ट। अभी पुणे के आसपास विद इन 200 किलोमीटर्स के रेंज में जो स्पॉट्स हैं वो मेरे एग्जॉस्ट होने लगे हैं। तो हर वीकेंड को, हर फ्राइडे को हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना है एंड समहाउ प्लेसेस रिपीट हो रहे हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ पे पहले ब्लॉग नहीं बनाया, सो दैट ब्लॉग्स कवर कर सकें। आज मैं संदीप भाई को बोला रेवदंडा फोर्ट चलते हैं, इधर रेवदंडा बीच भी कवर हो जाएगा। ये अलीबाग के पास में आता है बट उनका बोलना था थोड़ा दूर है एंड उनको जल्दी आना है घर वापस। सो वी डिसाइडेड टू गो टू कान्हेरी डैम इन सतारा। तो आज यहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल के ग्रो होने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, उनका सपोर्ट है। मेरा चैनल अभी इतना भी ग्रो नहीं हुआ है बट फिर भी मैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। इनमें से कुछ लोग जैसे मेरी वाइफ है, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स का लिंक रखती है। दैन ऑब्वियसली इससे नंबर ऑफ ऑडियंसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ते हैं। एंड वाइफ का एक फ्रेंड है, कृष्णा करके उनका नाम है, एंड वो भी सेम मेरे ब्लॉग्स का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखते हैं, तो इससे मुझे हेल्प मिलता है। सो थैंक्स कृष्णा, थैंक्स अलॉट फॉर दैट, अप्रिशिएट योर हेल्प। एंड मेरे ऑल दो सब्सक्राइबर्स जो मेरे ब्लॉग्स को रेगुलरली देखते हैं एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, थैंक्स अलॉट फॉर दैट। एंड थैंकिंग टू ऑल द अदर व्यूअर्स ऑल्सो जो ऑल दो सब्सक्राइब नहीं किए ड्यू टू वट एवर रीजन्स, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रैवल ब्लॉग्स और समथिंग, they might be seeing some improvement in my vlog. Please suggest, please give me feedback in the comment section so that I can improve. मैंने recently start किया है last year July में vlogging, so I'm not a pro level, but I'm learning. So you guys can help me by giving feedbacks in the comment. ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए एंड मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। मैं अभी पुणे के लोकल एरिया में विद इन 200 किलोमीटर्स को एक्सप्लोर करता हूँ। हर वीकेंड, हर थर्सडे को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, एवरी थर्सडे 4 PM। जब यहाँ के सारे प्लेसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगे देन प्लान ये है कि मैं इंटरसिटी भी जाऊँगा, सिटी से बाहर। So let's see how it goes. अगर आप आपका भी चैनल नया है एंड यू नीड सम हेल्प हाउ टू ग्रो एंड व्हाट कैमरा एंड रिसोर्सेज आई एम यूजिंग इट, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का फॉलो लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वी कैन कनेक्ट देयर 1-to-1। सो दोस्तों अभी 15 किलोमीटर और दिखा रहा है एंड आई थिंक 20-22 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे कान्हेर डैम। जब घर से निकला था तो ये क्लाउडी वेदर था, so I was happy that we'll shoot some time lapse video, but अभी यहाँ पे आसमान एकदम क्लियर हो गया है, तो क्लियर आसमान में टाइम लैप्स शूट में कुछ दिखता नहीं है क्योंकि कुछ भी मूव नहीं हो रहा होता है। सो इट्स फाइन, विल कैप्चर कान्हेर डैम का जो सीनरी है, वहाँ पे कहाँ पे आपको रुकना चाहिए so that आप अच्छे से अच्छा सीन कैप्चर कर पाएँ। विल शो यू, बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ASP_Vlogs 007। तो देखिए दोस्तों, ये डैम है, डैम का बैक वाटर्स कान्हेर डैम। अभी सुटेबल पॉइंट्स पे जहाँ पे बाइक जा सकता है वहाँ तक जाएंगे। अभी संदीप भाई एक्सपर्ट है इसमें, वो ढूंढ रहे हैं आगे। लोकेशन देखिए आप, लेफ्ट साइड में ये बड़ा माउंटेन और राइट साइड में ये डैम का व्यू। तो दोस्तों गूगल मैप पे जो कान्हेर डैम का व्यू पॉइंट दिखाता है, वो यहाँ से आपको बाइक लगा के पैदल जाना पड़ेगा। बट इसके पहले ही हमने एक पॉइंट देखा है जहाँ से हम जा सकते हैं, तो अभी हम वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से लेना है। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कान्हेरी डैम बैक वाटर्स सतारा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में बोला है, बैक वाटर्स ऐसा ही होता है। आप अगर एक्चुअल डैम का व्यू पॉइंट देखेंगे तो उस साइड कहीं तो दिखेगा, बट आपको हमेशा बैक वाटर्स प्रेफर करना चाहिए सो दैट आप पानी के पास तक आ सकते हैं। सो आपको मैं 360 व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ASP Vlogs 007। ये था कान्हेरी डैम सतारा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों, ये था कान्हेरी डैम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ASP Vlogs 007। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।